उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। समाजवादी पार्टी लगातार जातिवाद जनगणना को लेकर कल भी उन्होंने हंगामा किया, आज भी अपना एक सम्मेलन आयोजित कर रही। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड? जाति जनगणना के मुद्दे पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्हें किसी ने जाति जनगणना से रोका? क्या उन्होंने उस समय पर सवाल उठाया? उससे पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी हम सबके आदरणीय हैं, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, क्या उस समय ये सवाल उठा? केंद्र में लगातार श्री मनमोहन जी की सरकार को समाजवादी पार्टी ने 10 साल तक समर्थन दिया, क्या केंद्र में कभी उन्होंने ये सवाल उठाया? मैं कहूँगा नहीं। तो आज क्यों, जब वो पावर में है, आवाज नहीं उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके की नीति लेके काम करेगी, तो जाति जनगणना की बात करेंगे क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि देश के पिछड़े हों या प्रदेश के हों, सबने योगी मोदी पे भरोसा किया है। लेकिन 2017 से आपकी भी सरकार है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, आप लोग जाति जनगणना की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बात को लिख कर दिया था कि अभी देश और प्रदेश के हालात जाति जनगणना के लिए अभी उचित नहीं है, और जब केंद्र की सरकार उचित समझेगी इस पे अपना निर्णय लेगी। अखिलेश यादव योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करते हैं, उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, अगर वो मेरे साथ क्रिकेट खेले मैं हर बॉल पे छक्का मारूंगा, इसको कैसे देखते हैं? अब श्री अखिलेश यादव जी के पास कोई काम नहीं है, वो क्रिकेट की बात करते हैं, छक्कों की बात करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए छक्का मारा है, दूसरी बार 273 MLA जिताकर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। अब मुख्यमंत्री जी के सामने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का विषय है, उत्तर प्रदेश को तरक्की की दिशा में ले जाने का विषय है, क्रिकेट का खेल अखिलेश जी के लिए वो खेल है, हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे, श्री अखिलेश यादव जी क्रिकेट के लिए काम करें, उसमें क्या बुरा है? धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।